हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम पहुंच चुके हैं जयपुर के किशन बाग में, जहां पर आपको साइंस से लेकर के पुरानी चीजें मिलने वाली, जहां पर लाखों सालों पुराने आपको यहां पत्थर देखने को मिलेंगे, कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ में इस जो बाग का यहां पर जल्दी पिछले साल यहां पे उद्घाटन हुआ था, तो आज हम यहां पहुंचे हैं गाइज। जो भी कुछ होगा इसमें, कहते हैं लोग यहाँ पर कि जैसलमेर के जैसा इसको डेवलप किया गया है। रेत के यहाँ पे टीले देखने को मिल जाएंगे, दोहरे मिल जाएंगे, सबके सब आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको। तो गाइज इसके लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे और हम आपको दिखाते हैं गार्डन में। गाइज यहाँ पर इसका बहुत बड़ा सारा गेट हो जाता है और आगे तक हम चलेंगे इसमें और भी, जैसे यहाँ पर एंट्री इधर से हो जाती है, इधर भी एंट्री है, पार्किंग का इधर हो जाता है और काफी बड़ा ये होने वाला, करीब 3 किलोमीटर का इसका ट्रैक होगा, जो हम देखेंगे क्या क्या रास्ते में हमें चीजें मिलती है, जो भी चीजें होगी पूरी पूरी हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। यहाँ से टिकट विंडो हो जाती है, इसमें 50 रुपए का टिकट पर कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ लगता है। साथ ही यहाँ पर कुछ एक मानचित्र इसका दिया हुआ है, मैप इसका दिया हुआ है, कैसे क्या आप यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, कैसे क्या आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो, और ये रास्ता हो जाता है यहाँ से प्यारा, पूरा का पूरा सब कुछ नेचुरल चीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है अपने को। यहीं से ही पूरी नेचुरलिटी का पता लग जाता है, कितने प्यारे यहाँ पे रास्ते हैं। हकीकत में गाइस ये जो रेलिंग है ना, ये भी बिल्कुल लकड़ी की बल्लियों से बनाई हुई है, नीचे जो पट्टी है ना वो भी हकीकत में शानदार तरीके की होने वाली है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज। आगे और हम दिखाते हैं आपको, स्पेशली जो पट्टी है ना नीचे की तरफ आप दिखाओगे, पट्टियां बहुत शानदार लग रही है। ये जो पट्टियां ना, इनको बड़े समांतर तरीके से इनको जमाया हुआ है, नीचे की तरफ मतलब थोड़ी खाई है, इधर की तरफ भी गहराई है, इधर भी गहराई है। गाइज मैं तो हूँ प्रकृति प्रेमी, मुझे तो इन सबसे जैसे बहुत ज्यादा प्रेम है। इधर बच्चों के पार्क वगैरह हो जाते हैं, ओए होए होए क्या गजब की चीज आ गई। मुझे जो चाहिए था, जो नेचुरलिटी चाहिए थी, गांव वाली जो फीलिंग चाहिए थी, वो यहाँ पर आकर के मिल गई है। पूरी की पूरी प्राकृतिक चीजें यहाँ पर, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल या आज के जमाने कोई चीज यूज नहीं की गई है, जो भी है पुरानी चीजें यहाँ पर यूज की है। जैसे देख सकते हो पूरे ऊपर बल्लियां, जो इनके ऊपर छत वगैरह वो भी की, वो भी जो गाँव जो जंगल क्षेत्र से उठाई हुई चीजें आपको देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पर बैठने की जगह हो जाती है, जो देख सकते हो पत्थर के ऊपर यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पता नहीं क्या किसका पेड़ है। इधर की तरफ भी देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ, तो ये मानो पत्थर के सीने को फाड़ करके फिर बाहर निकले हैं पौधे, और यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल उदाहरण भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। गाइज यहाँ पर बैठने की जो कुर्सियां वगैरह है, ये भी पूरी पूरी लकड़ी की मिल जाती है, जो कि नेचुरल है। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल किसी भी चीज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, देख सकते हो लकड़ी की पूरी चीज यहाँ पे आपको बैठने तक के स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गाइज नदियों में आप देखते होंगे जो पानी के रिसाव से जो पत्थरों के ऊपर जो धारियां बन जाती है, लहरें बन जाते हैं, क्रीज बन जाती है ना, वो आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिल रही है। हर पत्थर के अंदर अलग अलग है और अलग अलग जगह से इन पत्थरों को उठाया हुआ है, कई सारे पत्थर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर से आपको एक झोपड़ी मिल जाती है यहाँ पर, जो काफी बढ़िया है। ऊपर की तरफ से आपको कहीं ना कहीं छाया के खेजड़ी के पत्तों को रख करके, लकड़ियों को रख करके ये बनाई हुई है पूरी। ये प्ले का पत्थर जो कि गांव में कहीं जगह पे जैसे काफी गहराई में खुदाई करने पर आपको देखने को मिलता है, कोठिया वगैरह, फिर जैसे अपन बोर वगैरह निकलवाते हैं तो उनमें ही आपको देखने को मिल जाता है।
इधर की तरफ भी देखोगे कि जो पत्थर विभिन्न तरह के यहाँ पे जीवाश्म है। गाइज लाखों सालों पहले जब पृथ्वी उथल फुथल हुई थी तो वहां पर जो पृथ्वी के नीचे जो जो समुद्री जगह पर वहां पर जो जीव जंतु रहते थे वो जब दब गए थे वहां पर, तो वहां पर जो चूना पत्थर में वो जीवाश्म के रूप में बन गए थे, तो उनकी अस्थियां जो कह सकते हैं कि पत्थर के ऊपर उकर गई है, और जो यहाँ पर निशान भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप निशान देख पा रहे होंगे ये वही जीव जंतुओं के निशान है, और यहाँ पर भी देखो क्लियर तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर भी यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर आबूर जीवाश्म है, और ये देख सकते हो आप उदाहरण, जैसे अपन गांव में ये चीजें तो कई बार देखी भी है इस तरह की जो होती है लट वगैरह, जो अपने रेवड़े जो गोबर वगैरह निकलते, ये देखो प्रूफ है बिल्कुल ओरिजिनल है, ये ऐसी बात नहीं है। और ये देखो यहाँ पर भी ऐसे लिख भी रखा है, यहाँ सबसे प्राचीन जीवाश्म है जो करोड़ों साल पहले जब ऐसी दुर्घटना हुई थी तो वहां पर ऐसे पत्थर थे, सब जीव जंतु जमीन में दब गए थे, उनके यहाँ पर उदाहरण जो आप एग्जैक्टली देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे पत्थर रखे हुए हैं जो बिल्कुल आपको दर्शाता है कि पृथ्वी लाखों साल पहले उलट पुलट हुई थी, उसके यहाँ पर उदाहरण है। पूरे के पूरे जीवाश्म यहाँ पर आपको नजर आ जाते हैं, हर पत्थर के ऊपर अलग अलग आकृतियां हैं, इस पर लिख भी रखा 3.7 अरब साल पहले वायुमंडल में 1% से भी कम ऑक्सीजन थी, उस वक्त ऐसा उथल पुथल हुआ। कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर आपको ये एक शानदार जगह मिलने वाली है जहां पर आपके 5-7 फ्रेंड्स यहां पर बैठ करके गपशप भी कर सकते। साइड में देखोगे आपको यहां पर तो कमल के फूल भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, साथ ही इस पानी में आपको मछलियां भी नजर आ जाएगी, और कई सारे फूल यहां पर होंगे। चारों तरफ पानी भरा होने की वजह से यहाँ पे काफी ठंड का आपको यहाँ पे एहसास होगा। गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इधर मछलियां भी है, जो कि आप क्लियर देख सकते हो मछलियां जो पानी में देख सकते हो। मैं जूम आउट करता हूं, इसमें देखो ये जो मछलियां तैर रही है ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है। गाइस स्पेशली एक चीज का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, यहाँ पे कूड़ा कचरा या कोई भी चीज बाहर की यहाँ पे लाने के अलावा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो जाती है। बाकी यहाँ पर क्या है कि साफ सफाई वगैरह का काफी विशेष ध्यान रखा गया है, कोई भी यहाँ पे धूम्रपान या कोई भी ऐसी चीज लाना भी अलावा नहीं है। यहाँ पे कोई ज्वलनशील चीज भी आप नहीं ला सकते, क्योंकि पूरी पूरी घास फूस है यहाँ पर, और आपको जो गाँव में देखने की चीजें मिलती है वो यहाँ देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर राजस्थान इंडिया में कहीं जगह पे जो पेड़ है वो आपको यहाँ पे सब तरह के देखने को मिल जाते हैं। गाइज यहाँ पर आने के बाद में क्या है कि दो रास्ते आ जाते हैं, एक रास्ता आपको इधर लेकर के जाता है और एक रास्ता ऊपर की तरफ लेकर के जाता है, तो हम वापस से नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्या है कुछ चीजें देखने के लिए होती है, जैसे आपके पास में अगर कोई टेलीस्कोपिक हो, दूरबीन हो या कोई कैमरे वगैरह हो, तो अच्छे नजारों को कैद करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो।